SMZ न्यूज, खबर नहीं आपकी आवाज। घर से बाहर निकलेंगे तो निकाल देंगे तुम्हारे दम। कोरोना कोरोना मेरा यमदूत है, उसको तुम्हारे प्राण हरने की पूरी छूट है, पूरी छूट है। घर से बाहर निकले, जब तुम घर से बाहर निकले, सामान लेने निकले, राशन लेने निकले, दवाई लेने निकले, तो मुंह पर मास्क लगाए, हाथों में ग्लव्स पहने, सैनिटाइजर को साथ में रखे और एक एक मीटर की दूरी बनाकर रखे। हम है हम। कोरोना कोरोना मेरा दूत है और उसको तुम्हें ले जाने की पूरी छूट है। हम है यम, हम है यम। हिंदू धर्म शास्त्र में ये जो रूप है यमराज का, ये मृत्यु के देवता है और ये मृत्यु के देवता जब व्यक्तियों की मृत्यु आती है तो उसको उसके प्राण हरकर जो भी उसका लेखा जोखा होता है चित्रगुप्त के माध्यम से, उसको स्वर्ग नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन इस समय जो ये कोरोना है, ये महामारी फैली हुई है और इस महामारी में कोई भी नहीं बच पाएगा अगर यदि सभी ने एक दूसरे की हेल्प नहीं करी, एक दूसरे के लिए अगर लोगों ने साथ नहीं दिया, तो ये महामारी केवल हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व में छाई हुई है और इससे कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहेगा। और हमारे भारत में बहुत कम संसाधन है स्वास्थ्य के प्रति, जो कि अगर हमारे भारत में ये चीज़ फैली तो मुझे लगता है और आप सभी को भी लगता है कि यह हम लोग संभाल नहीं पाएंगे। इसीलिए सबसे बड़ी बात है जो सरकार के नियम हैं, प्रशासन के नियम हैं, उन पर हमने पालन नहीं किया तो हम लोग बहुत बड़ी समस्या से ग्रस्त हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे क्योंकि एक तरीके से उनका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है देख के और उसको मैसेज भी बिल्कुल स्पष्ट जा रहा है कि यम रूपी जो राक्षस यमराज होते हैं उसमें जो वायरस है कोरोना वायरस उनका यमदूत है, इस तरीके से मैसेज दे रहे हैं ताकि लोग जो है अवेयर रहे, घर से बाहर ना निकले, घर में रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। लॉकडाउन का इस तरीके से पालन कराने की मेरे द्वारा प्रयास किया जा रहा है, इसलिए मैंने ये किस तरह से लोगों का प्रभाव पड़ा इसका देखा इसका इम्पैक्ट कल भी हमने इसको किया था तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट है इसका क्षेत्र में। लोग समझ रहे हैं इस बात को कि अगर हम बाहर निकलेंगे तो इससे जो है कोरोना वायरस हमें अपने आगोश में ले सकता है और इससे हमारा पूरा परिवार और समाज उससे क्षतिग्रस्त हो सकता है और उससे बहुत बड़ी क्षति हो सकती है समाज की और देश की।